All right, so guys, welcome back to the channel. I'm Vijay Sharma and you're watching the Vijay Sharma YouTube channel. So guys, आज हम बात करने वाले हैं finally selfie movie के collection के बारे में. Selfie एक new movie है जो लगी हुई है आजकल हमारे नजदीकी सिनेमा घरों में, जिसमें कि main actor है अक्षय कुमार and opposite में है इमरान हाशमी. ये movie दिखाई गई है एक star and fan के बीच की लड़ाई की, मतलब जो कि fan पहले star से बहुत ज़्यादा प्यार करता है and बाद में उसका प्यार बदले में बदल जाता है. इस मूवी में क्या हो रहा है ये मूवी देख के आप लोगों को पता चलेगा, ट्रेलर में आप लोग समझ गए होंगे. तो फाइनली मैं आपको आज इसका कलेक्शन बताऊंगा. इसका गाइस जो कलेक्शन है ये बहुत ही बेकार कलेक्शन है. अक्षय कुमार सर के लिए बहुत बेकार न्यूज़ है, बहुत बुरी न्यूज़ है. इसका फर्स्ट डे का कलेक्शन यार लोगों को लग रहा था कि पठान के बाद रेट जो है बॉलीवुड मूवीज़ के वो बढ़ जाएंगे, कलेक्शन बढ़ जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. बल्कि एपिक डिजास्टर रिकॉर्ड बोल सकते हैं इसे, बहुत ही गंदा अक्षय कुमार के हिसाब से. मतलब इसने फर्स्ट डे में कमाए गाइस 2.55 करोड़ रुपीस. आप लोग समझ सकते हैं कि कलेक्शन कितना कम है अक्षय कुमार के हिसाब से. मतलब छोटी छोटी मूवीज आ रही हैं वो तक इससे अच्छा रिस्पांस दे रही गाइस, बट अक्षय कुमार की मूवी ने इतना कमाया. एंड अभी मैं बताऊंगा सेकेंड डे का कलेक्शन, ये भी कुछ खास नहीं है. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अक्षय कुमार की मूवी आई थी नमस्ते लंदन, ये आपको पता है कितनी पुरानी मूवी है. इसने तक फर्स्ट डे में कमाए थे 2.88 करोड़ रुपीस. मतलब आप समझ रहे हो उस जमाने में एक मूवी ने कमाए 2.88 करोड़ रुपीस फर्स्ट डे पे, और आज इतने टाइम बाद जब मूवीज फर्स्ट डे में 35 करोड़, 50 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ कम से कम कमा रही है, तो वहां अक्षय कुमार की मूवी ने कमाए सिर्फ 2.5 करोड़ रुपीस. तो अब बताते हैं आपको सेकेंड डे का. सेकेंड डे सैटरडे को, मतलब फर्स्ट सैटरडे इस मूवी का, इसमें भी कुछ ज्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं. मतलब इस मूवी ने कमाए सिर्फ 1 करोड़ रुपए ज्यादा, मतलब 3.5 करोड़ रुपीस. मतलब आप समझ सकते हो कि यार सिर्फ 350 करोड़ रुपी, मतलब 350 करोड़ रुपए कमाए इस मूवी ने तीसरे दिन में, मतलब दूसरे दिन में, जहां पठान ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए. फर्स्ट डे में 100 करोड़ से ज्यादा कमाए, मतलब ये कमा रही अभी 1000 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है. लोगों को लगा कि ये लेवल अब बढ़ जाएगा बॉलीवुड का, मतलब बॉलीवुड की मूवीज फिर से चल पड़ेंगी करोड़ों में, मतलब 1000 करोड़ ऐसे ऐसे. बट अक्षय कुमार की मूवी ने कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिया नहीं है. मतलब यह है कि अक्षय कुमार की फैंस के लिए और अक्षय कुमार के लिए बहुत बेकार न्यूज़ है, बट डरने वाली कोई बात नहीं है. अक्षय कुमार की मूवीज़ हैं तो कहीं ना कहीं चलेंगी. अक्षय कुमार ये मूवी बनी 110 करोड़ रुपये में, तो 110 करोड़ का बजट ये कहीं ना कहीं से निकाल देंगे जैसे ये मूवी दे देंगे इसके बाद OTT प्लेटफॉर्म को. एंड मेरे को लगता है कि यार कल संडे है तो कल भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 करोड़ या 5 करोड़ कमा पाएगी या 3 करोड़ में ही रह जाएगी. तो इस ये मूवी ज़्यादा सारा यार थिएटर में 10 करोड़, 20 करोड़ या ज़्यादा 25 करोड़ रुपीज़ तक जाएगी, उतनी भी नहीं जाएगी. मैं तो मेरा मतलब मानना ये है कि ये मूवी अटक जाएगी आपके 15 करोड़ के अंडर थिएटर्स में, अगर कोई अच्छी मूवी नहीं आई तब तक. तो अब देखते हैं क्या होता है. बट अक्षय कुमार सर यार अब इनकी जो स्टोरी है, मतलब ये जो स्क्रिप्ट पकड़ रहे हैं वो उनमें इतना दम, मतलब उतना दम सा नहीं है जैसे बीच में कर रहे थे रुस्तम टाइप की मूवीज, मतलब टॉयलेट और फलेटिक प्रेम कथा, आई मीन एंड पैडमैन. क्या बेहतरीन स्क्रिप्ट चुन रहे थे, लेकिन आज से लोग कुछ भी कर रहे हैं. इस मूवी के गाने बहुत अच्छे चले, इस मूवी का ट्रेलर काफ़ी अच्छा पसंद किया गया, बट मूवी ने कमाई नहीं. मूवी ने अभी तक टोटल कमाए हैं 5.75 करोड़ रुपीज, मतलब 6 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं. तो क्या कह सकते हैं, जिसने जितना कमाना हुआ उतना ही लिखा हुआ. तो अब मैं आपको बताऊंगा कल परसों इसके मूवी आज संडे को कितना कमाती है. तो मूवी रिव्यूज एंड मूवी कलेक्शन एंड इस टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड मैं किसी का भी, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का भक्त टाइप का हूँ, या मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, ऑनेस्ट कलेक्शन बताता हूँ. तो जो भी होता है आप लोग को इस चैनल पर दिखाते रहेंगे. तो जो भी इस चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड मिलता हूँ आपको. जय श्री राम.